हाय डियर गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप यू आर गुड एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो आज का जो मेकअप ट्यूटोरियल है वो है सिल्वर स्मोकी मेकअप ट्यूटोरियल फॉर वेडिंग गेस्ट। या सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम अपने आईब्रो को फिल करेंगे, ठीक है, और उसको अच्छी तरह से फिल कर लेंगे ताकि कोई भी ना रह जाए। फिर उसके बाद हम स्पूली की मदद से अपनी आईब्रो के लगे प्रोडक्ट को अच्छी तरह अपनी पूरी आईब्रो पर अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद एक फ्लैट ब्रश के ऊपर मैंने कंसीलर लिया और अपने उसको नीट कर लिया अच्छी तरह अपने आईलिड पे भी और आईब्रो के नीचे साइड पर ऊपर हर जगह। आईलैशेस पे लग गया है, टेंशन नहीं लेनी, वो बाद में साफ हो जाता है, ठीक है ना। अभी हमारा मेन फोकस जो है वो आईब्रो है, ठीक है। और ये हमारी आईब्रो हो गई कंसील। कंसील करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी आईब्रो जो होती है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है और आईब्रो ठीक लगती है, अच्छी लगती है, ठीक है ना। अब हमने एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से उसको अच्छी तरह से ब्लेंड आउट कर लिया, ठीक है गाइस। जहाँ जहाँ हमने अप्लाई किया था कंसीलर वहाँ वहाँ पे हमने उसको कर दिया। अब हमें एक शार्प एज चाहिए, इसलिए हमने कॉर्नर पे स्कॉच टेप लगा दी है और एक डार्क ब्राउन शेड लिया है जो कि हमने अपनी क्रीज एरिया तक स्टेप्स देने के लिए अप्लाई किया। और देख सकते हैं कि जो इनर कॉर्नर है वो डार्क है और आउटर कॉर्नर है जो वो डार्क है और इनर कॉर्नर लाइट है, ठीक है। हमने आउटर कॉर्नर पर ज़्यादा फोकस रखना होता है, इसीलिए आउटर कॉर्नर हमेशा जो है हमारा वो होना चाहिए, ज़्यादा कह लेंगे डार्क होना चाहिए। अच्छी तरह से ब्लेंड आउट कर लेंगे। ब्लेंडिंग सबसे मेन चीज़ है। जितना मेकअप आपका अच्छा होगा, जितनी ब्लेंडिंग अच्छी होगी उतना आपका मेकअप अच्छा होगा। और अब ये मैंने ब्लैक आई शेड लिया और उसको सिर्फ अपने आउटर कॉर्नर पर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। और हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा जो ना अपनी क्रीज की तरफ उसको ट्रैक करूँगी, हल्का हल्का करके। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके सिर्फ आउटर कॉर्नर पर है ब्लैक शेड, ठीक है गाइस। ब्लेंड हो रहा है अच्छी तरह साथ साथ और साथ साथ क्रीज तक जा रहा है, ये देखें, ठीक है गाइस। उसके बाद हमने क्या किया, सिल्वर कलर लिया, ठीक है। मेरे शायद सनलाइट में मैं वीडियोस बनाती हूँ तो उसकी शायद रोशनी ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये सिल्वर कलर है, ठीक है गाइस। सिल्वर स्मोकी मेकअप किया हमने आज, तो ये सारा सिल्वर कलर जो है वो हमने अपनी आईलिड पर अप्लाई कर लिया है सिर्फ क्रीज एरिया तक और उसको अच्छी तरह एप्लीकेटर के साथ ही ब्लेंड आउट कर दिया। और ब्लेंड आउट किया हमने इसको अच्छी तरह से। अगर प्रोडक्ट कम लगे तो और ज़्यादा लगा लें। मैंने थोड़ा सा ब्लैक को और अप्लाई किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि वहाँ से थोड़ी सी डेप्थ जो है वो कम है। सो गाइस, हमने अपनी स्कॉच टेप रिमूव कर लिया। देखिए कितना शार्प एज बनाना जो कि हमें चाहिए था, एकदम से हमारी जो आई है वो लिफ्ट अप हो गई है। तो सिल्वर कलर लेके हमने टियर डॉट को और ब्राउ बोन का हाईलाइट कर लिया है। ऑफ कैमरा हमने आईलैशेस भी अप्लाई कर ली हैं और ऑफ कैमरा ही हमने लाइनर भी अप्लाई कर लिया है, ठीक है। होप यू गाइस आर इन्जॉइंग दिस वीडियो। प्लीज़ गिव द थम्स अप इफ़ यू लाइक। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। Thanks for watching. Allah Hafiz. Don't forget to subscribe my channel again. Thanks for watching. Allah Hafiz. Bye bye.